अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। इसमें हम देखेंगे बेसिकली जेनेटिक्स क्या होती है, किस तरह से ये फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था और इसका स्कोप क्या है। रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिप्रोडक्शन होगी तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस होगी और इस तरह करके लाइफ जो है वो फॉरवर्ड चलती जाएगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म आज अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो इसी वजह से है क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने रिप्रोड्यूस किया और इस तरह की प्रोजनी को, इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जो कि फर्टाइल थे, जो इजीली इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके और फिर वो फर्दर रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच सके और फिर उन्होंने फर्दर रिप्रोडक्शन की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उनके अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन होती है। एक ही सेल जो होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वही लाइफ की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और वही सेल रिप्रोडक्शन के टाइम पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है और जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के अंदर हेल्प आउट करती है, सेल रिपेयरिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा स्पर्म और एग की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकता है। हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में सेल्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं जिसकी वजह से बॉडी डे बाय डे ग्रोथ ग्रोथ जो है वो शो करती जाती है, साइज इंक्रीज करता जाता है। कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ पर सेल जो है वो टाइम के साथ रिपेयर होने लग जाते हैं और स्किन कुछ टाइम के बाद फिर से हील होके वैसी ही हो जाती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है उनके अंदर उनको फर्दर प्रोजेनी बढ़ाने में हेल्प आउट करती है। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो सेलुलर रिप्रोडक्शन डिफरेंट टास्क जैसे कि ग्रोथ वगैरह में हेल्प आउट और रिपेयर वगैरह करने में, जो सेल डैमेज हो गए होते हैं उनको रिपेयर वगैरह करने में हेल्प आउट करती है। रिप्रोडक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको डीएनए कहा जाता है। डीएनए के अंदर एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट भी कर सकता है और इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो डीएनए के थ्रू स्टडी की जा सकती है। जेनेटिक्स जो है उसके अंदर डीएनए स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि डीएनए की स्टडी से ही पता चलता है कि ये ऑफस्प्रिंग जो है वो कौन से पेरेंट्स का है, इनका आपस में क्या रिलेशन है और पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी जेनेटिक स्टडी जो है वो डीएनए की हेल्प से की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली जेनेटिक्स क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जेनेटिक की डेफिनेशन दी गई है कि दैट जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आपने अगर 2 मार्क्स की इसकी डेफिनेशन आती है तो उसके अंदर ये लिखनी है और थोड़ा सा इसके स्कोप के बारे में भी आप नेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। जेनेटिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाती है, पेरेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किस तरह से वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाती है और फिर ऑफस्प्रिंग से फर्दर उनके जब ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके अंदर किस तरह से जाती है। तो ये सारी की सारी जेनेटिक स्टडी जो है, चाहे वो ट्रेट से रिलेटेड है, चाहे वो हाइट कलर से रिलेटेड है, चाहे वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो जेनेटिक डिजीज़ से रिलेटेड है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। डे बाई डे जेनेटिक्स के अंदर बहुत से चेंजेस आते जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवील हो रहे हैं। मॉडर्न मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है वो बेसिकली बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन शो करती है कि किस तरह से जेनेटिक और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाती है और किस तरह से फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस होती है और फिर उसको फर्दर हम स्टडी कर सकते हैं। डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो बेसिकली प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है
और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उनके अंदर ये सारी की सारी डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी की आइज का कलर, हेयर का कलर्स, उसकी डिफरेंट जो ट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। प्रोटीन के अंदर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वैसे ही एक ऑर्गेनिजम्स की सारे फीचर्स जो हैं वो नज़र आते हैं, चाहे वो उसका कलर है, चाहे उसके कोई और डिफरेंट ट्रेट है, चाहे उसके आइज का कलर है, हेयर का कलर है। तो ये फिर डिफरेंट चीज़ें जो है वो प्रोटीन पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा ये एज अ एंजाइम भी फंक्शनिंग शो करती हैं, और एंजाइम का हमारी बॉडी के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है वो आप ऑलरेडी साइटोलॉजी के अंदर भी देख चुके हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी देख चुके हैं कि हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है वो सब की सब ऑलमोस्ट एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं। इन्वायरमेंटल लिमिट्स के अंदर अंदर रहते हुए एनिमल्स जिस तरह के भी शो होते हैं या ऑर्गेनिज्म जिस तरह के भी नज़र आते हैं, जो भी उनकी फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली उन प्रोटीन की वजह से ही होती है। जैसा प्रोटीन्स का इम्पैक्ट होता है वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म शो होता है। अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी की जाए तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में एक इंडिविजुअल जो एक जनरेशन का है उससे ट्रांसफ़र होती है एक ऐसे इंडिविजुअल में जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होता है। जैसे फादर और मदर से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होगी उनके आने वाले चाइल्ड के अंदर। ये सारी की सारी स्टडी जो है वो ग्रेगर मेंडल के थ्रू स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये जारी है। तो ये ऊपर आपने जेनेटिक की डेफिनेशन देखी, इसके बाद आपने इसका स्कोप देखा कि किस तरह से ये डिफरेंट तरीके से हेल्प आउट करता है, और अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने इसको स्टार्ट किया था। सो बेसिकली ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने जेनेटिक्स के बारे में रेवोल्यूशंस जो थी वो स्टार्ट की, जिसका बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पेक्ट है और आज तक है। इसके अंदर फर्दर जो है वो चेंजेस डे बाय डे आते जा रहे हैं। जेनेटिक्स जो है वो एक्सप्लेन करती है किस तरह से डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स जो हम में शो होते हैं वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये भी पता चलता है किस तरह से स्पीशीज टाइम के साथ चेंज होती जाती हैं, किस तरह से एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं और किस तरह से सब चीज़ें बायोलॉजी के अंदर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। जेनेटिक टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, उनका आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसकी रीज़न ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, इम्प्रूव करती हैं क्रॉप प्रोडक्शन को, जो कि हमारे फूड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो क्रॉप्स का ठीक होना, हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्रॉप्स की प्रोडक्शन में भी जेनेटिक्स हेल्प आउट करती है, ऑर्गेनिज्म और एनिमल लेवल पे तो हेल्प करती ही करती है। इसके अलावा बहुत से इश्यूज हैं जैसे क्लोनिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि जिन पे आजकल काम चल रहा है और इनके ऊपर फुल डिटेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर एडवांसेस इन सारी मैकेनिज्म्स के थ्रू आ रहे हैं, चाहे क्लोनिंग है, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या फिर इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम अपनी मर्जी से मर्जी के ट्रेट्स डाल के प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको ग्रो करवा सकते हैं, और फिर जो भी डिज़ायर्ड हमारे रिजल्ट्स हैं वो हम इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेल डिवीजन और जेनेटिक्स की स्टडी से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल जैसा वो दिखता है वैसा क्यों है, या जैसे उसके ट्रेट्स हैं उसकी रीज़न क्या है, या जो भी उसका बिहेवियर है उसके पीछे रीज़न्स क्या क्या हैं, ये सारी के सारे हमें जेनेटिक स्टडी से पता लग सकते हैं। जैसे कि हमने सेल थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था कि डेट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी पुराने सेल्स होते हैं उन्हीं से न्यू सेल अराइज करते हैं, और फिर आने वाले सेल्स जो हैं वो एक टाइम लिमिट तक काम करते हैं, फिर उससे न्यू सेल्स बन जाते हैं और जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो
सेल की प्रोसेसिंग के थ्रू सेल से ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया सेल अपने ही बॉडी जो है वो अपने ही यूजलेस सेल्स को खुद से डिस्ट्रॉय कर सकती है अपने ही मैकेनिज्म्स के थ्रू। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से फंक्शन करते हैं। जितने भी सेल्स हैं वो एक सिंगल सेल की डिवीजन से बनते हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जाइगोट बनता है, वो जाइगोट ही फर्दर डिवाइड करता जाता है और उसकी डिवीजन से फिर ग्रोथ होती जाती है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये जाइगोट किस तरह से बनता है? ये एग और स्पर्म के मिलने से बनता है। एग और स्पर्म को कंबाइनली हम बोलते हैं गैमेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जाइगोट किस तरह से बनता है। एग एंड स्पर्म या फिर गैमेट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ जाइगोट। और फिर जाइगोट जो है उस पे फर्दर ये एक सिंगल सेल होता है और फर्दर इसके अंदर डिवीजन होने से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेल डिवीजन बेस प्रोवाइड करती है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और इसके अलावा किस तरह से हेरिडिटी क्वालिटीज जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, ये भी सारी की सारी सेल डिवीजन के थ्रू पता लग जाता है। बॉडी सेल्स को सोमेटिक सेल्स भी कहा जाता है और इनकी फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस यूज होती है जिसको माइटोसिस कहा जाता है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है और उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन के इसकी डिवीजन के थ्रू एक सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता जाता है और इस तरह से सेल्स का नंबर इंक्रीज होने लग जाता है। और जिस तरह से नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके अलावा माइटोसिस जो है जिस तरह से बॉडी पे कहीं पर भी कोई वाउंड हो गया है, कोई भी डैमेज हो गया है, कहीं पे चोट लग गई है, तो माइटोसिस से वहाँ पर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है और जो सेल जो है वो डैमेज सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह पर न्यू सेल्स जो है वो ले लेते हैं। हर सेल के अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही वो पूरी लाइफ जो है वो डिवीजन एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से सेल डिवाइड करता है और डिवीजन से न्यू सेल्स आते हैं और एक सेल की इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल के अंदर पास करती जाती है। लेकिन बहुत से ऐसी भी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी भी फीचर्स होते हैं जो कि थ्रू आउट दी लाइफ ऑर्गेनिज्म के अंदर साइलेंट रहते हैं और कभी भी वो एक्सप्रेस नहीं होते। एट टाइम्स लाइफ की लेटर स्टेजेस पे वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं लेकिन एट टाइम्स वो एक्सप्रेस नहीं होते। और हो सकता है कि उनके जो साइलेंट जीन्स हैं वो आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर चले जाएं और जो पेरेंट्स के अंदर ट्रेड शो नहीं हुआ, पॉसिबल होता है कि वो ऑफस्प्रिंग के अंदर शो होने लग जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो उसके अंदर माइटोसिस क्या करती है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचा देती है जिसकी वजह से जो प्रोजनी होती है या फिर जो आने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के साथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स सेल्स का प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के अंदर, जैसे एग और स्पर्म का प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इन एग और स्पर्म जो हैं इनके मिलने से जाइगोट बनता है और गैमेट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और क्रोमोसोम का नंबर कभी भी डबल नहीं होता। हाफ मेल की तरफ से जाता है, हाफ फीमेल की तरफ से जाता है और क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस होके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है और ताकि उसके अंदर जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल हो सके। और क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस है जिसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है और इसका नेम है मियोसिस। तो मियोसिस जो है वो एक रिडक्शन डिवीजन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है और माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यूज होती है और माइटोसिस जो है वो नंबर डबल कर देती है सेल्स का क्योंकि इससे सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, जबकि मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिससे सेल का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और फिर वो सेल्स कंबाइन होके ऑफस्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा कि जाइगोट क्या है, एग्स स्पर्म क्या है, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और बॉडी सेल्स को सोमेटिक सेल्स भी कहा जाता है।